सभी दोस्तों का वेलकम एक नई वीडियो में। तो आज बहुत दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। उम्मीद करता हूँ अब हर संडे को आपसे नई नई वीडियो में मुलाकात हो। तो आज की वीडियो में कुछ खास नहीं है, बस अपने टेरेस गार्डन पर कुछ वेजिटेबल्स की अपडेट आपको देनी है। और नेक्स्ट संडे से आपके लिए न्यू नर्सरी की वीडियो आया करेंगी। तो सबसे पहले हम आपको अपने तोरी के कुछ प्लांट दिखा दे रहे हैं, तो जिनमें अच्छे से फ्रूटिंग हो रही है। तो इसमें देखिए अभी फ्लावर आए हुए हैं और फ्रूटिंग भी आई हुई है, तो मैं फ्रूटिंग भी दिखा देता हूँ। कई बार इसमें हार्वेस्टिंग हमने कर रही है और ये देखिए भंवरे इस पर पोलिनेशन का काम कर रहे हैं। तो आपको दिखाते हैं, इसमें हमने एक खांचे में लगा रखी है तोरी को, लकड़ का खांचा है, उसमें हमने बहुत सी मिट्टी भर के और उसमें दो तीन प्लांट लगा दिए हैं। तो अच्छे से फ्रूटिंग हो रही है, आप देख सकते हैं ये फ्रूटिंग। तो दोस्तों, तोरी के प्लांट को अगर आप 10 से 15 इंच के गमले में लगाते हैं तो आपको फ्रूटिंग मिल जाएगी। अगर आप 6-7 कंटेनर लगा ले रहे हैं तो आपको हर हफ्ते तोरी या लौकी की सब्ज़ी आपको आराम से मिलती रहेगी। तो दोस्तों, बहुत दिनों बाद वीडियो मिल रही है, तो इसकी स्टार्टिंग इसी वीडियो से हम कर रहे हैं। और उम्मीद करते हैं आपको हर संडे को नर्सरी की न्यू अपडेट मिले। दोस्तों, इधर देखिए एक छोटा सा फ्रूट बन रहा है ये तोरी का। तोरी छोटे से फ्रूट से 4-5 दिन में खूब अच्छे साइज़ की हो जाती है, जिसको हम अपने सब्ज़ी में यूज कर सकते हैं। तो इधर देखिए काफ़ी बड़े साइज़ की, अभी इसको 4 से 5 दिन हो गए हैं लगे हुए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में यही सब है। और अभी आपको लौकी के भी कुछ प्लांट दिखा दे रहे हैं, हमने अपने टेरेस गार्डन पे लौकी भी लगा रखी है। तो अभी आप तोरी देख लीजिए। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि हमारे चैनल पर नर्सरी से रिलेटेड बहुत वीडियो मिलती है आपको सबसे ज़्यादा। दोस्तों, अभी सर्दियों का मौसम आने वाला है और नर्सरियों पे सर्दियों वाले जो फ्लावर होते हैं वो आने वाले हैं, तो उनकी भी अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो उससे पहले ये देखिए लौकी, और इसमें भी फ्रूटिंग आपको दिखाता हूँ। फ्रूटिंग इसमें स्टार्ट हो गई है, हमने एक दो बार इसमें से तोरी वो लौकी तोड़ के हमने सब्जी बना ली है। और अभी देखिए इसमें फिर से फ्रूटिंग तैयार हो रही है, ये देख सकते हैं। लौकी को एक हफ्ता लगता है और वो हमारे रसोई के लिए तैयार हो जाती है। तो देखिए इस पर फ्लावर भी आ रहे हैं, देख सकते हैं फ्लावर। और अभी फ्रूटिंग दिखा रहा हूँ, इसमें फ्रूटिंग देखिए ये छोटे साइज़ की है। और अभी दिखाता हूँ, ये देखिए ये 4 से 5 दिनों में देखिए इसका साइज़ बढ़ जाता है। तो ये हमारी ऑर्गेनिक एकदम देसी तरीके की, जिसमें हमने कोई केमिकल यूज नहीं किया है। अभी इसमें सिर्फ मैंने बोन मील, नीम खली और हमने केचुआ खाद इसमें डाली थी, उसी का ये रिजल्ट है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि नर्सरी की न्यू वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में।